हाय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्लेटोज अटैक ऑन पोइट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने किस तरह क्रिटिसाइज़ किया है पोइट्स को और पोइट्री को। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ज़रूर प्लेटो का नाम सुन रखा होगा और उनकी बुक के बारे में आप तो जानते ही होंगे। उनकी बुक का नाम था रिपब्लिक, जिस बुक में वो एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं और उसी बुक में वो क्रिटिसाइज़ करते हैं पोइट्री को। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो को जानें। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो थे कौन। वो एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र थे, एक थिंकर थे और एक पोइट भी थे। वो बजाते खुद एक शायर थे, क्योंकि किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए लाजमी है कि आपको उस फील्ड का नॉलेज ज़रूर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया तो वो बजाते खुद एक शायर भी थे। उनकी पैदाइश हुई थी 428 BC में और उनकी डेथ हुई थी 348 BC में। उन्होंने 80 साल की उम्र में वफात पाई। अगर बात करें उनकी एकेडमी की, तो उन्होंने एक स्कूल खोला था यूनान में, एक एकेडमी खोली थी जिसे एकेडमी ऑफ एथेंस के नाम से जाना जाता है। और वो उस एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को फ़िलासफ़ी की तालीम देते थे। क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र थे तो वो हमेशा लॉजिक और मंतक की बात करते हैं, रीज़न के ऊपर बात करते हैं और एक वजह ढूंढते हैं हर बात में, मंतक इसे बोलते हैं। अगर बात करें उनके इंटरेस्ट की, तो उन्हें मेटाफिज़िक्स में इंटरेस्ट था। इसके अलावा फ़िलासफ़ी, सियासत में उन्हें इंटरेस्ट था और एपिस्टेमोलॉजी में भी उन्हें इंटरेस्ट था। और उनके नोटेबल स्टूडेंट्स में एरिस्टोटल का नाम सर फहरिस्त है, जिन्हें उर्दू में अरस्तू कहते हैं। जब भी इल्म दानिश और फ़लसफ़े की बात होती है तो इन दोनों उस्ताद और शागिर्द का नाम ज़रूर हमारे सामने आता है, एरिस्टोटल और प्लेटो का। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, प्लेटो ने, जिसमें वो एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं कि मेरी जो आइडियल स्टेट होगी उसमें जो शहरी होंगे, सिटीजन्स होंगे, वो किस तरह के होंगे और जो हुकूमत चलाने वाले होंगे, स्टेट्समैन, वो किस तरह के होंगे और कौन कौन से होंगे। मैं किन लोगों को इजाज़त दूंगा कि वो मेरी स्टेट में रहें और किन लोगों को मैं अपनी स्टेट में नहीं रहने दूंगा। तो वो बताता है कि डॉक्टर्स होंगे मेरी स्टेट में, पॉलिटिशियंस होंगे, फ़िलासफ़र्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ज़रात से मुतल्लिक लोग होंगे, फिजिस्ट होंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं शायरों को अपनी स्टेट में दाखिल नहीं होने दूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक सर्कल सा, जिसमें पोइट्स उस सर्कल से बाहर हैं। ये उसका एक आइडिया था, आइडियल कंसेप्ट में, कि मैं पोइट्स को अपनी स्टेट में कभी दाखिल नहीं होने दूंगा। फिर वो वजूहात भी बताता है कि क्यों मैं इनको दाखिल नहीं होने दूंगा। तो उन वजूहात के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उस बुक में वो दो आर्ट्स की दो इकसाम बताता है, एक तो यूज़फुल आर्ट्स और दूसरी इमिटेटिव आर्ट्स। जो यूज़फुल आर्ट्स हैं उसमें मेडिसन, तिब का शोबा आप समझ लें, और एग्रीकल्चर, ज़रात, जिससे हम फूड भी हासिल करते हैं और टेक्सटाइल का भी काम हम वहीं से हासिल करते हैं, कपड़ा शपड़ा। तो वो कहता है कि ये जो आर्ट्स हैं ना, मेडिसन और एग्रीकल्चर, ये इंसानियत की खिदमत करते हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। जब हम मरीज़ होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं और तो हम सेहत याब हो जाते हैं दवाई से, और जब हमें भूख लगती है तो हमें एग्रीकल्चर का सहारा लेना पड़ता है। मतलब इंसानी बुनियादी ज़रूरियात इन दो चीज़ों से पूरी होती हैं और इनका एक मस्बत इस्तेमाल है सोसाइटी में और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। और दूसरी तरफ जो इमिटेटिव आर्ट्स हैं, जिसमें पोइट्री और म्यूज़िक है, वो कहता है कि ये किसी ज़रिए से भी इंसान की खिदमत नहीं करती, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारी सोसाइटी में, कोई इनका यूज़ नहीं है, और ये जो बिल्कुल यूज़लेस हैं ये दोनों चीज़ें, एक पोइट्री और म्यूज़िक। तो ये था उसका एक आर्ट्स का कंसेप्ट। फिर वो एक आइडिया का कंसेप्ट भी देता है अपनी बुक में, कि खुदा ने जो कायनात बनाई है उसका जो ओरिजिनल आइडिया है वो तो खुदा के माइंड में है, और जो ये कायनात हमारी आंखों के सामने है ये उस आइडिया की कॉपी है, जो खुदा के माइंड में आइडिया है। तो खुदा ने क्रिएट किया ये वर्ल्ड तो ये उस आइडिया की कॉपी है, ओरिजिनल वर्ल्ड तो वो कहता है कि खुदा के अपने माइंड में है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह एक कारपेंटर एक चेयर बनाता है, तो कारपेंटर के माइंड में जो आइडिया होता है, प्लेटो कहता है कि वो चीज़ ओरिजिनल है, वो आइडिया ओरिजिनल है, और जो जो कारपेंटर एक चेयर बनाता है वो चेयर उसकी कॉपी है। वो कहता है क्योंकि शायर सोसाइटी के ऊपर लिखते हैं, इस दुनिया के बारे में लिखते हैं, दुनिया चूंकि पहले ही एक कॉपी है एक आइडिया की,
तो शायर उस कॉपी की एक कॉपी बनाते हैं, मतलब ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है, कॉपी ऑफ द कॉपी है। वो कहता है कि ये हकीकत से बहुत दूर है, ये शायरी है या शायर हैं, इसलिए वो क्रिटिसाइज़ करता है पोइट्री को। और वो कहता है कि ये मदर ऑफ लाइज है, झूठ बोलते हैं शायर सारी अपनी शायरी में। फिर आपको जानना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्रिटिसाइज़ जो किया है पोइट्री को, कोई तो वजह होगी ना, क्या सरकमस्टांसेस थे उस वक्त के, उस दौर में मुआशी और समाजी हालात कैसे थे, सियासत कैसी थी, तालीम कैसी थी, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे तो आगे आसानी होगी कि वजह हमें मिल जाएगी कि किस वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पोइट्री को। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि वो टाइम एक पॉलिटिकल डिक्लाइन का टाइम था, और जो तालीमी निज़ाम था वो इंतहाई बुरी हालत में था। जो ग्रीक राइटर थे, जो ग्रीक पोइट थे, होमर, उनकी पोइट्री पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में। स्कूल का नसाब सारा शायरी पे मुश्तमिल था, कोई यूज़फुल आर्ट्स जो बताता है ना प्लेटो, वो नहीं पढ़ाई जाती थी स्कूल में, फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ाई जाती थी। वो कहता है कि ये इंतहाई बुरी बात है कि क्यों बच्चों को पढ़ाई जा रही है ऐसी चीज़ जो उनकी समझ से बिल्कुल बालातर है, और उन पोइट्स की पोइट्री को एक बाइबल की तरह, एक मुकद्दस किताब की तरह इज़्ज़त दी जाती थी। इसके अलावा मुआशरे में औरत की इज़्ज़त नहीं थी, उसे इन्फीरियर समझा जाता था, और उसे तालीम में कोई हक नहीं दिया जाता था, उसे पढ़ने का हक हासिल नहीं था, और रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर्स में भी उन्हें कोई राइट नहीं था बात करने का। इसके अलावा स्लेवरी जो थी वो पूरे ग्रीस में आम थी, लोग गुलाम रखते थे अपने पास, और जो लोग बाहर से एथेंस आते थे उन्हें सिटीजन्स के कोई राइट्स और कोई हकूक नहीं मिल पाते थे। इसके अलावा जो ग्रीक आर्ट और लिटरेचर का एक तरक्की वाला दौर था वो रुक गया था, कोई तरक्की याफ्ता कोई राइटर नहीं था ऐसा कि जो क्रिएटिव चीज़, क्रिएटिविटी को जो प्रमोट करे, क्रिएटिविटी वो क्लोज हो गई थी एकदम, उसको एक ब्रेक सी लगी थी। और जो लोग लिख भी रहे थे लिटरेचर तो वो इंतहाई बेकार और फरसूदा किस्म का था, इमोरल था और करप्शन थी उसमें, और इंतहाई बुरे लेवल का वो लिटरेचर लिख रहे थे। इसके अलावा जो पोइट्री थी, जो पोइट्स पोइट्री लिखते थे वो उसमें क्रिटिसाइज़ करते थे फ़िलासफ़र्स को और एजुकेशनिस्ट को, कि तालीम के ऊपर जो लोग बात करते हैं और फ़िलासफ़ी के ऊपर, उनको वो जाहिल समझते थे शायर, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, और बदले में वो फ़िलासफ़र्स उन पोइट्स को क्रिटिसाइज़ करते थे। इसके अलावा जो लाइफ के जितने भी सफ़ेयर्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, उनमें एक अनसर्टेनिटी सी थी, एक गैर यकीनी सी छाई हुई थी सोसाइटी में, और एक कांस्टेंट डिबेट जिसे कहते हैं, एक मुस्तकिल बहस चल रही थी मुआशरे में। पोइट्स कहते थे कि हम ज़रूरी हैं मुआशरे के लिए, हम अच्छी तालीम दे रहे हैं लोगों को, अपनी वो अहमियत बताते थे, और उसके बरक्स जो फ़िलासफ़र्स थे वो एक अपनी अहमियत के ऊपर ज़ोर देते थे। तो ये था एक बैकग्राउंड उस सोसाइटी का, उस मुआशरे का, उस दौर का। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर क्रिटिसाइज़ करता है प्लेटो मुस्लिम पोइट्री को और पोइट्स को। तो आइए पढ़ते हैं कि वो क्या क्या एलिगेशन लगाता है पोइट्री के ऊपर और पोइट्स के ऊपर। पहला बात तो जो करता है प्लेटो, वो कहता है कि ये इसमें कोई मोरल इफ़ेक्ट नहीं है, ये इंसान की अखलाकियात को तरक्की नहीं देती पोइट्री, अखलाकियात के ऊपर बात नहीं करते पोइट्स, ये सेक्स के ऊपर बात करते हैं और रिवेंज के ऊपर बात करते हैं और लव के ऊपर बात करते हैं, और इन चीज़ों की कोई यूटिलिटी नहीं है हमारी सोसाइटी में, इस वजह से वो बेकार हैं, मैं उन्हें अपनी आइडियल स्टेट में दाखिल कभी नहीं होने दूंगा। इसके अलावा जो ग्रीक मिथ्स थी उस टाइम की, जो मिथोलॉजी थी ग्रीक मिथोलॉजी, उसमें गॉड्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, और पोइट्स जो थे वो उन गॉड्स की रिपीट्यूशन जो थी उनके ऊपर अटैक करते थे। वो कहता है कि खुदा को, गॉड्स को, ये जो मिथोलॉजी के हमारे गॉड्स हैं उनको ये करप्ट बताते हैं, और आम इंसानी जो बुराइयां जो पाई जाती हैं इंसान में, वो उन बुराइयों को जोड़ देते हैं खुदाओं के साथ, उन गॉड्स के साथ, ये एक बुरी बात है प्लेटो कहता है। और दूसरी बात जो वो कहता है कि पोइट्री के हमेशा हिडन मीनिंग्स होते हैं जो आम इंसान की समझ से बालातर होते हैं, और होमर की जो एलगोरिकल इंटरप्रिटेशंस हैं उनमें तो सारा है यही चीज़ के हिडन मीनिंग्स हैं और समझ नहीं आते। तो ये चीज़ वो कहता है कि स्कूल के करिकुलम में नहीं होनी चाहिए, जो बात बच्चों की समझ में नहीं ना आए वो पढ़ा के जलील ही करना है बच्चों को, और क्या करना है। फ़िलासफ़ी वो कहता है कि पढ़ाई जाए स्कूलों में। फिर वो कहता है कि ये जो पोइट्री है ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखते पोइट्स,
ये डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं और एक मिस्टीरियस इरेशनल और सुपर नेचुरल सोर्स से ये हासिल करते हैं, और किसी भी वक्त इनका जो लिखने का काम है वो रुक सकता है। फिर वो एक बात कहता है कि ये ट्रूथ तो हो सकता है, इस बात में सच्चाई तो हो सकती है पोइट्री में, क्योंकि ये खुदा की तरफ से इनको अता होती है, लेकिन ये जो अता और तंजील का सिलसिला है ये किसी वक्त भी रुक जाता है। ये जो रुकना है ना, वो कहता है कि फिर शायर आगे नहीं लिख पाता, तो ये इनकम्प्लीट ट्रूथ है, मुकम्मल सच नहीं है, कभी आधा भी हो सकता है, आधी बात कहते हैं शायर, वो कहते हैं, और इन बातों को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। फिर वो कहता है कि पोइट्स कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं, कोई ऐसा शेर कह जाते हैं जो उनकी अपनी समझ में नहीं होता कि हम क्या कह गए हैं, तो इस वजह से वो कहता है कि नामुकम्मल है, मैं इनको अपनी आइडियल स्टेट में दाखिल नहीं होने दूँगा। फिर वो कहता है कि पोइट्री और जो उसका रीडर है वो ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं उस फिक्शनल करेक्टर में जो पोइट्री में इस्तेमाल किया होता है, तो उस फिक्शनल करेक्टर की बेस पे ख़ुद को आइडेंटिफाई वो कहता है नहीं करना चाहिए, इसमें पर्सनैलिटी में एक अनहेल्दी सा इम्पेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर वो कहता है कि ये जो इमोशंस हैं ना इंसान के, इनको डिस्टर्ब करती है पोइट्री, पोइट्री को पढ़ के कभी इंसान अफसरदा हाल हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो कभी वो खुश हो जाता है, तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना फीलिंग्स की और इमोशंस की, वो कहता है कि ये शायरों की वजह से और पोइट्री की वजह से ये नहीं होनी चाहिए, इंसान को बिल्कुल पुरसकून तरीके से रहना चाहिए। फिर वो कहता है कि ये जो ट्रेजेडी में पिटी और फेयर का ये जो कंसेप्ट है ना इमोशंस का, ये तो बहुत ही जेंटल सी ह्यूमन इमोशंस हैं पिटी और फेयर, लेकिन ट्रेजेडी में वो कहता है कि इनको एक्सट्रीम करके दिखाया जाता है, एंटी सोशल और वायलेंट किस्म की ये इमोशंस बताई जाती हैं, लेकिन वो कहता है कि ऐसा है नहीं, और ये सेक्स के ऊपर बात करते हैं और रिवेंज के ऊपर बात करते हैं ट्रेजेडी में, तो ये एक एंटी सोशल बात है, अखलाकियात से गिरी हुई बात है, वो कहता है कि इन बातों को नहीं करना चाहिए शोरा को। फिर वो कहता है कि इनको ट्रूथ का कोई नॉलेज नहीं है, दे हैव नो नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के बारे में तो ये जानते नहीं है ना पोइट्स, क्योंकि ये एक दुनिया की कापी कर रहे हैं। आपको पता है कि शायर हमेशा सोसाइटी के ऊपर ही लिखता है, जितनी उसकी पोइट्री होती है, जो वो देखता है वही वो लिखता है। वो कहता है क्योंकि ये एक कापी को देख रहे हैं, तो कापी की कापी तो वो नकली हो सकती है, असल तो नहीं हो सकते हैं, सच नहीं है, मतलब ये झूठी बोलते हैं और बेबुनियाद बातें करते हैं। तो ये था उनका अटैक प्लेटो का जो उन्होंने किया था पोइट्री के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।